F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। शाबाश, बढ़िया से पढ़ो, ठीक है। देखे दो चार दो तीन चार दो चौक आठ दो पंच दस दो चौक बारह दो चौदह दो अठारह दो उन्नीस दो बीस। एक साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में 365। महीने कितने होते हैं? 12। 12 महीने, हाँ। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में 7। दिन कौन कौन से होते हैं बताओ? मधु के परिवार में कौन कौन है? मधु के परिवार में उसके दादा, दादी, माँ, मम्मी, पापा। इस वक्त मौजूद हैं हम प्राथमिक विद्यालय शमसपुर, शिक्षा क्षेत्र फूलपुर, जनपद आजमगढ़ में। ये प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ पे कक्षा 1 से 5 तक कक्षाएँ चलती हैं। इस विद्यालय परिसर में आप देख सकते हैं, थोड़ा सा पूरा दिखा दीजिए घुमाकर। इस विद्यालय परिसर का जो बहुत बड़ा यहाँ पे वो ग्राउंड है, काफ़ी लंबे रेंज में है, लंबा क्षेत्र है इस विद्यालय का परिसर जो है, विद्यालय कैंपस। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो देख लीजिए, इस समय गर्मी का मौसम है और जिस तरह से ये पेड़ जो यहाँ पे हैं, किस तरह से इनके छाये से कितना वो आनंद प्राप्त होता है, सुख की अनुभूति होती है। कहीं ना कहीं गर्मी का मौसम है और ये पर्यावरण जो यहाँ पे इस विद्यालय परिसर का पर्यावरण है बहुत ही अच्छा है। लेकिन चलिए, यहाँ पे हम बात भी करेंगे, यहाँ पे जो शिक्षक हैं, शिक्षक और शिक्षिकाओं से, बच्चों से, यहाँ पे पठन पाठन की प्रक्रिया कैसी है, कैसे हैं बच्चे यहाँ के पढ़ने में, क्योंकि इस समय परीक्षा चल रही है प्राथमिक विद्यालयों में और यूपी बोर्ड की भी परीक्षा इस समय चल रही है। चलिए, हम यहाँ पे बच्चे हैं, पहले उनसे बात करेंगे। और एक चीज़ हम आपको बता दें, ये जो बना हुआ है देख लीजिए, ये हम विद्यालयों में जाते हैं तो एक विद्यालय में गए हम, वहाँ पे हमें पता चला कि इसकी वैलिड जो होती है 10 साल होती है। ये पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, अब इसमें बच्चे पढ़ते नहीं। वहाँ पे पुनर्निर्माण हुआ फिर से विद्यालय का, आपको हम दिखाएंगे उसकी स्थिति। इसके पहले शायद बहुत पहले ये था इस विद्यालय का हिस्सा, ये पूरी तरह से जर्जर है। और ये तो हमने आपको बता दिया, क्या देख लीजिए, ये 10 साल का वैलिड वाला ये बना हुआ विद्यालय भवन और ये पूरी तरह से जर्जर है, वहाँ पर बच्चे जाए नहीं। हम यहाँ के शिक्षक से गुजारिश करेंगे कि बच्चों को उधर ना भेजें, क्योंकि उस भवन का कोई भरोसा नहीं कि वो भवन कब गिर जाए। जी मैडम जी, कौन सी कक्षा है ये? कक्षा 5 है। जी गुड आफ्टरनून, बैठ जाओ आप लोग। कक्षा 5 का ये रूम है, यहाँ पे हम मौजूद हैं, देख लीजिए बच्चे और बच्चे यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ पे टीचर भी इस समय उपस्थित है। क्या मैडम जी, यहाँ पे परीक्षाएं चल रही हैं या क्या पढ़ाई चल रहा है? जी परीक्षाएं चल रही हैं। परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन बच्चे तो यहाँ पे बैग और किताब लेकर बैठे हैं। जी बैग यहाँ अलाउ है, बैग लाना है। तो परीक्षा के समय में बैग क्यों लाते हैं? बैग जी गवर्नमेंट का रूल है, ये लाना है, बताया गया है। अच्छा, तो लेकिन इस समय परीक्षा नहीं चल रही है? नहीं, मौखिक परीक्षा आज हुई है। अच्छा, मौखिक परीक्षा हुई है। क्या कुछ पढ़ा उड़ा रही थी आप? क्या बुक के ये खोल के बच्चे बैठे पढ़ा रहे थे क्या? हाँ हाँ, हिंदी चल रहा है। अच्छा, हिंदी पढ़ा रही थी। मौखिक परीक्षा होने के बाद पढ़ाई चल रही है। मौखिक परीक्षा, हाँ, रिवीजन हो रहा है इनका। अच्छा अच्छा जी, नाम क्या आपका? गीता। किस पद पे हैं आप इस विद्यालय? सहायक अध्यापक। सहायक अध्यापक है। खड़े हो जाओ बाबू आप, नाम बताओ अपना। निगम यादव। निगम यादव, कौन सी कक्षा में हो? 5। 5 में कौन कौन सब्जेक्ट का पेपर हुआ है? किस किस विषय का पेपर हो चुका है? हिंदी, गणित और हमारा प्रवेश। सवाल पूछे हम कुछ गणित से? सवाल पूछे हम कुछ गणित से? 1/2 और 1/4 में कौन बड़ा है? 1/2 में 4। 1/2 और 1/4 में कौन बड़ा है? कौन बताएगा? कौन बच्चे बच्चियों में से कौन बताएगा? ठीक है, आ रहे हैं हम। आप आ जाओ। कौन बड़ा है? 1/2 1/4 में? 1/4। 1/4 कैसे बड़ा, हमको बताइए थोड़ा सा उसको। 1/2 और 1/4 में से 1 बराबर है और 2 छोटा है, 4 बड़ा है। 2 से 2 का दुगना 4 है। बैठो, ठीक है। कहाँ मैडम जी, सही बता रहे हैं? बताइए आप। नहीं नहीं, बच्ची में थोड़ा मिस्टेक हो गया इनको। कौन बड़ा है बताइए? 1/2। 1/2 है, कैसे बड़ा है इन लोगों को थोड़ा बता दीजिए आप। बता दें? हाँ, आप इस पे बताइए, ब्लैक बोर्ड पे बता दीजिए, बच्चों को बता दीजिए कि 1/2 कैसे बड़ा है यहाँ पे। हम इनको एग्जांपल से ही बता दें। जी ठीक है, एग्जांपल ही बताइए आप। जैसे बताइए पेन है तो 1/2 का मतलब हम इसको 2 टुकड़ों में कर दें, ठीक है, और 1/4 का मतलब इसको 4 टुकड़े में कर दें, तो बड़ा कौन होगा बेटा, 1/2 2 टुकड़ा की 4 टुकड़ा?
एक बटे दो होगा। ठीक है मैडम जी ने बढ़िया एक्सप्लेन किया, बढ़िया से बताएं बच्चों को। मैडम जी इसी तरह से बताइए बच्चों को, ठीक है, जिससे इनको पूरी तरह से समझ आए। प्रैक्टिकली आप समझाइए इनको, प्रैक्टिकली समझाते ही हैं सर, प्रैक्टिकली समझाते हैं। आप समझाएंगे, ये नहीं कि ब्लैक बोर्ड पे बस लिख दिए बस हो गया, ये नहीं। जी जी, इस तरह से आपने बताया तो हमें लगता है सबको समझ में आ गया होगा ना अब। हैं, ठीक है, और कुछ हम पूछेंगे अब? ठीक है, चलो आओ बच्चियों से भी कुछ बात करेंगे जी। आप खड़ी हो जाओ, आप नाम बताओ अपना। आप नाम तायरा। अच्छा, कौन सी क्लास में हुआ? कक्षा पाँच में। प्रधानमंत्री कौन है भारत के, पता आपको अपने देश के? किसको पता है प्रधानमंत्री कौन है भारत के? आपको इधर इधर आ जाओ, आप आराम से आओ। हाँ इधर 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 कैमरे में करो थोड़ा सा चेहरा। नाम बताओ पहले अपना। महक। कौन है प्रधानमंत्री? श्री नरेंद्र मोदी। चलो बढ़िया है, शाबाश। नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री भारत के, ठीक है, ध्यान से पढ़ो, ये सब चीज़ जानना चाहिए। मैडम जी इसी बेसिक चीज़ें हैं, ये सब बताइए आप, ठीक है। हाँ जी, आप खड़े हो जाओ बाबू, आप खड़े हो जाओ। नाम बताओ आप। अभिनव यादव। हाँ हाँ, एक साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में 365 महीने कितने होते हैं? 12 महीने। हाँ, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में 7 दिन। कौन कौन से होते हैं बताओ? सोमवार, मंगल, बुधवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, संडे। आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिलाकर बता रहे हैं, आपने बृहस्पतिवार बताया फिर गुरुवार बताया, एक ही चीज़ है बृहस्पतिवार या गुरुवार, ठीक है। हड़बड़ाओ मत, पता है हमको पता कि आ रहा है लेकिन हड़बड़ा रहे हो, हड़बड़ाओ मत, ठीक है। आप खड़े हो जाओ, आप नाम बताओ अपना। प्रिंस यादव जी, पकड़ो हम कहाँ थोड़ा डाली हो। प्रिंस यादव, क्या क्या चीज़ का पेपर हुआ है बताओ हमको। गणित, हिंदी, हमारा परिवेश। हमारा परिवेश में क्या है, उस सब्जेक्ट में क्या क्या है, कुछ चैप्टर कुछ याद है, कुछ वहाँ के वो पाठ, जैसे पाठ एक होता है पाठ दो, पहला पाठ क्या है हमारे परिवेश का, हमारा परिवेश जो है उसमें पहला पाठ क्या है? मैडम जी हमारा परिवेश में क्या है, इतिहास वगैरह होता होगा, वही सामाजिक विज्ञान, इतिहास वगैरह हैं जी, बताओगे कुछ हमको? अच्छा, हमारा परिवेश में विज्ञान भी है, अच्छा अच्छा, चलो आप बताओगे कुछ, पूछें हम। पहाड़ा कितने तक आता है आपको? 20 तक। 19 का सुना दो। 19, 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 19
192, 197, 197, 190। चलो बढ़िया है, ठीक है। कक्षा पाँच के ये बच्चे हैं, यहाँ पे व्यवस्थाएँ अच्छी हैं हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, फैन भी चल रहा है, और हमने बच्चों से बात भी किया, तो बच्चों के जो शिक्षा है इनसे हम संतुष्ट हैं। चलिए, जहाँ भी कमियाँ हों हम यहाँ के जो स्टाफ हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि यही हमारे देश के भविष्य, यही राष्ट्र निर्माता हैं, इनके ऊपर हम जितना भी समय देंगे, जितनी अच्छी तरीके से इनको हम पढ़ाएंगे, तो हमारे देश का भविष्य अच्छा होगा। और हम एक चीज़ और गुजारिश करेंगे कि हम कहीं ना कहीं बात करें तो जो बड़े लोगों के बच्चे होते हैं कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, वो एसी में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा मिलती है, और देख लीजिए बच्चे कहाँ पे बैठे हुए हैं। ये हम शासन से ये मांग करेंगे कि बच्चों के लिए बैठने के लिए बढ़िया व्यवस्था हो, डेस्क बेंच वगैरह लगे। और बच्चे कितने हैं मैडम जी आपके क्लासरूम में, वैसे रजिस्टर्ड में कक्षा पाँच में? कक्षा पाँच में सर कितने बच्चे हैं इसमें? 38 है जी। तो अभी तो मौके पे 38 होंगे नहीं, हमें नहीं लगता होंगे, एक दो बच्चे कम होंगे। चलिए ठीक है। चलिए और भी कक्षाओं में हम देखेंगे। गुड आफ्टरनून, आप लोग बैठ जाओ। कौन है इस क्लासरूम में? गुरुजी आप हैं जी, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, नाम बताइए। मेरा नाम अर्जुन कुमार। किस पद पे है गुरुजी आप यहाँ? सहायक अध्यापक यहाँ पद पर हूँ मैं, मेरा घर पड़ेगा अंबेडकर नगर में। अच्छा, अंबेडकर नगर से आप आते हैं कि यहीं पे कहीं? नहीं, कहीं रहते हैं, हुबीगंज में बाजार में। अच्छी बात है। ये एक अच्छा चार के बच्चे हैं जी। क्या पढ़ाई वगैरह चल रही है, परीक्षाएं चल रही हैं? आज तैयारी सब कर रहे हैं बच्चे, आज छोड़ दिए हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, सब कुछ जो समझ में ना आया हो अब तक जो पढ़ाया गया हो उसके बारे में कहा गया कि मतलब हमें बताएं वो। चलिए ठीक है, अच्छा कुछ हम बात कर लेते हैं बच्चों से, आप खड़ी हो जाओ। नाम बताओ अपना। नेहा। नेहा, किस किस विषय का परीक्षा हो चुका है? हिंदी का, हमारा परिवेश, गणित। गणित का हो चुका है? होने वाला है सर। यस सर।
अच्छा, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं बताओगे? एक सप्ताह में सात दिन। कौन कौन आप बताओगी? बताओ कौन कौन दिन, एक सेकंड बताओ। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बीफ है, शुक्र, शनिचर, इतवार। सोमवार, मंगलवार, फिर बीफ है, शुक्र, ये कैसे हो गया? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ठीक है, हड़बड़ाओ मत, हड़बड़ा रही हो, हमको पता है कि आ रहा है लेकिन हड़बड़ा रही हो। चलिए, छोटे बच्चे हैं, कक्षा चार के बच्चे हैं, आप खड़े हो जाओ। हीरो आओ, लग तो हीरो ही लग रहे हो पूरा। नाम बताओ। अंश। अंश कक्षा चार में हो? यस। हैं? यस। कुछ सवाल पूछ रहे आपसे भी हम। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं बताओ हमको? 60। 60 मिनट, सही बता रहे हो ना? हैं, चलो बढ़िया है, आप खड़े हो जाओ। बाबू आप नाम बताओ अपना। अंश। अंश क्या पढ़ रहे थे? हम आपके बुक से ही पूछेंगे। संस्कृत सुधा। हैं, बताओगे कुछ संस्कृत में? बोलो कि और कुछ पूछे हम। हैं, यस। प्रधानमंत्री कौन है देश के बताओ, अपने देश के? उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की राजधानी हैं? उत्तर प्रदेश की राजधानी, देखो बच्चे बता रहे हैं आपको, शायद हड़बड़ा रहे हो या नहीं पता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और हमारे देश की राजधानी भारत की? लखनऊ। भारत की राजधानी नई दिल्ली। बढ़िया है, ये कक्षा चार के बच्चे हैं, इनसे भी हमारी बात हुई। और चलिए, वहाँ पे भी और कक्षा एक और कक्षा दो, तीन कक्षाएँ वहाँ चल रही हैं, वहाँ पे भी हम बच्चों से बात करेंगे। गुरु जी, स्टाफ कितने हैं यहाँ पे? यहाँ पर टोटल स्टाफ 6 हैं, जो चार अध्यापक हैं और बाकी दो शिक्षा मित्र में हैं। दो शिक्षा मित्र हैं। जी जी। चलिए, तो वैसे तो यहाँ पे जो स्टाफ है पर्याप्त है। हाँ, इतने बच्चों के लिए। हाँ, क्योंकि बच्चों की संख्या तकरीबन 200 है। हाँ हाँ हाँ, ठीक, मैनेज कर ले पाते हैं आप लोग? हाँ, लगभग अगर सभी आ जाते हैं तो मैनेज हो जाता है। मतलब अब कोई छुट्टी पर है तो अलग विषय हो जाती है, उसके लिए फिर भी मैनेज हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, और भी कक्षाएँ वहाँ पर भी हम देखेंगे। कक्षा 3 के बच्चे हैं गुरु जी। चलो ठीक है, खड़े हो जाओ आप, खड़े हो जाओ और लाओ बुक, लाओ, हम बुक से ही पूछेंगे। बुक से पढ़ रही हो ना? बताओ नाम बताओ अपना। अनामिका यादव। अनामिका यादव कौन सी कक्षा में हो? 3 में। हाँ, 3 में। 3 में हो? का चीज़ आज पेपर था या पढ़ाई था, क्या था आज? पेपर था, टेस्ट हो रहा था। टेस्ट था? हाँ। किस चीज़ का टेस्ट था? सबका। सबका सबका मतलब? मतलब हिंदी इंग्लिश सबका। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। ये कौन सा चैप्टर है? चलो ठीक है, ये तो पढ़ाई पढ़ा होगा आपने। बताओ हमको, मधु के परिवार में कौन कौन है? मधु के परिवार में उसके दादा, दादी, मम्मी, पापा और उसका भाई और मधु। मधु, इतने परिवार है। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, आपने सवाल का जवाब दिया। जी आप बताओ, खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, खड़े जाओ। कौन सी कक्षा में हो? कक्षा 3। पहाड़ा कितने तक आता आपको? 15 तक। 15 का? 14 तक सुना दो, 14 का हमें। 14 का? सुनाओ तू। 14 दुनी। हड़बड़ाओ मत बाबू, हमको लगता आ रहा है लेकिन हड़बड़ा रहे हो, हड़बड़ाओ मत, सुनाओ बढ़िया से एकदम, पूरा खुशी होकर सुनाओ। 14 दुनी 26, 14 3 39, 14 52, 14 55, 65, 14 78, 14 94, 96, 14 96। आप डर रहे हो, ठीक है, याद नहीं है, लगता है कि याद नहीं है ना, गलत पढ़ रहे हो। 14 का पहाड़ा कौन सुनाएगा? 14 का पहाड़ा बताओ कौन सुनाएगा? कक्षा 3 के बच्चों में कौन सुनाएगा हमें कक्षा 3 का पहाड़ा? आप चलो सुनाओ, तुम तुरंत सुनाओ। 14 4 28, 14 3 42, 14 4 56, 14 5 70, 14 6 84, 14 8 96, 14 7 96, 14 7 96, 14 8 112, 14 9 126, 14 10 140। सही सुना है? यही पहाड़ा नहीं सुना, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया लगता है। चलो और भी कुछ बच्चे हैं, आओ आप बाबू, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। नाम बताओ अपना। आप प्रांजल भास्कर। प्रांजल भास्कर कौन सी कक्षा में हो आप? कक्षा 3। हाँ, कक्षा 3। कक्षा 3 में हो? हैं, हाँ। 5 से 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5 से 4 में 5 × 4 चलो ठीक है, आप बताओ, आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। नाम बताओ आप अपना। गोल्डी। हैं? गोल्डी। गोल्डी, पहाड़ा कितने तक आता है आपको?
नहीं आता? आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? श्वेता। हाँ श्वेता। श्वेता कविता सुनाओ कोई हमको, जो अपने ये बुक में से कोई कविता सुनाओ हमको। सुनाओ ऐसे सुनाओ, कोई कविता सुनाओ पूरे बुक में से, पूरे किताब में से कहीं से भी एक कविता हमको सुनाओ। आप सुनाओ, खड़े जाओ, कोई कविता सुनाओ। अभी अभी थी धूप बरसने लगा कहाँ से या पानी, किसने फोड़े घरे बादल की है इतनी सहतानी, सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा, उसकी माँ ने क्यों बुला लिया उसको कहकर, आजा जोर जोर से गरज रहे बादल है किसके काका। चलो ठीक है, बढ़िया है। तो गुरुजी थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों पर, ठीक है? अब शायद बच्चे डर रहे हैं या क्या वजह है, ठीक है? ये कच्चा दो का क्लास रूम है इसे समस्तपुर प्राथमिक विद्यालय का। जी मैडम जी, पहले तो आप नाम बताइए अपना। इंदु यादव। इंदु यादव, किस पद पे हैं आप? शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्र हैं जी। कौन सी कक्षा के बच्चे हैं ये? दो के हैं। दो के बच्चे हैं जी। क्या पढ़ा रही थी आप अभी? अभी सर इनको दिए थे क्या, गिनती पूछ रहे थे और लिखने को लिए दिए जी। लिखने के लिए कुछ जी? हाँ। क्या लिख रहे हो, क्या दिए मैडम जी बताओ हमको। खड़े हो जाओ, थोड़ा सा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। नाम बताओ अपना। नेहा। नेहा, कौन सी क्लास में हो? दो। दो में। क्या मैडम जी दी है आपको लिखने के लिए बताओ? ए बी सी डी, गिनती, दो के पहाड़ा। दो का पहाड़ा हैं? हाँ। दो का पहाड़ा सुनाओ हमको। दो के दो, दो दुने चार, दो चार छः, दो चौक आठ, दो पंच दस, दो चौक बारह, दो चौक चौदह, दो अठ सोलह, दो नौ अठारह, दो दस बीस। चलो ठीक है, आप बताओ। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्या लिख रही हो? पहाड़ा। हाँ। सात का गुणा हम पाँच से करेंगे कितना आएगा? सात गुणे पाँच। सात का पहाड़ा आता है कि नहीं? आता है ना। हाँ तो डरो मत, डरो मत, डरो एकदम मत डरो, कुछ डरना नहीं है, ठीक है? मैडम जी आपकी यही है और हम लोग भी यही के हैं। सात गुणे पाँच, सात पहाड़ा पाँच बार पढ़ो। सात के साथ चौदह, सात सात पचे पैंतीस, सात पचे पैंतीस, ठीक है? अब मैडम जी नहीं बताएंगे, अब मैं फिर से पूछ रहा हूँ। चार गुणे पाँच, चार के चार चनिया, चार तीन बारह, चार चार सोलह, चार पंच बीस। गिनती सौ तक आती है? हाँ। अच्छा, अट्ठानवे लिखना हो कौन कौन अंक लिखोगे? अट्ठानवे में, अट्ठानवे लिखना हो तो हमको कौन कौन सा अंक लिखना पड़ेगा? आप खड़े हो जाओ, बताओ नाम बताओ। अरिजीत। अरिजीत, छिहत्तर अगर लिखना हो तो कौन कौन सा अंक लिखेंगे? गिनती आती है ना सौ तक, लिख लेते हो सौ तक गिनती? लिख लेते हो ना, पढ़ लेते हो? थोड़ा लिख कर हमको बताओ, यही का यही पे कापी पे बताओ हमको। यहाँ पे लिखो, एक सेकंड रुक जाओ हाँ यहाँ लिखो, यहाँ लिख के हमको बताओ। छिहत्तर, यही चीज़ बढ़िया है, खड़े हो जाओ। यही चीज़ हम पूछ रहे थे कि कौन कौन सी गिनती लिखी हो बताओ छिहत्तर में? सात छः। सात छः, यही पूछ रहे थे हम। चलिए ठीक है, ये कक्षा दो के बच्चे हैं। और मैडम जी और क्या क्या पढ़ाती हैं आप हम? चलिए ठीक है, कक्षा दो के बच्चे हैं, इनको आपने ए बी सी डी गिनती पहाड़ा और क्या पढ़ाती हैं इनको? बेसिक चीज़ें होती है जो बच्चे हैं देश प्रदेश के बारे में जानना चाहिए जी, जिले वगैरह के नाम, मतलब तहसील के नाम, माता पिता। चलिए ठीक है। अच्छा, कितने ज़िले आप लोगों को पता होगा किसी को उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश की राजधानी? हाँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी नई दिल्ली नहीं है, लखनऊ है, ठीक है? कक्षा दो के बच्चे हैं, ठीक है? मैडम जी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बेसिक चीज़ें ये सब चीज़ों को बताया करिए। बताया जाता है सर। ठीक है, ठीक है, चलिए। सुनाएगा हमको ए बी सी डी, आ जाओ इधर, आ जाओ जल्दी आओ, सुनो। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। शाबाश, बढ़िया से पढ़ो, ठीक है? और बताओ कौन है? मैं। खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, गिनती सुना दो हमको, गिनती सुनाओ। एक हाँ। दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। सौ तक आती है गिनती? आती सौ तक गिनती? कौन, कितने गिनती आती है? सौ तक गिनती आती है? नहीं आती सौ तक, कितने तक आती है? आ जाओ आप, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। एक
दुई तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। चलो बढ़िया। ये बताओ रुको, खाना बनता है स्कूल में? क्या बना था बताओ हमको? खिचड़ी। आज खिचड़ी बना था? हाँ। और रोज खिचड़ी, रोज खिचड़ी मिलता है और कुछ नहीं? सब्जी और सब्जी मिलता है। खाना खाते हो? बढ़िया खाना मिलता है ना? हाँ। चलो ठीक है। हम मौजूद हैं समस्तपुर प्राथमिक विद्यालय शिक्षा क्षेत्र फूलपुर जनपद आजमगढ़ में। यहाँ पे हमने शिक्षकों से बात की, बच्चों से बात की, तो कहीं ना कहीं बात करें अगर कुछ हद तक तो यहाँ पे बच्चों ने जो हमारे सवाल का जवाब दिया बहुत तो अच्छे तरीके से दिया। इस विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकाओं से हम कहेंगे कि इनका और भी प्रयास होना चाहिए जिससे कि ये बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, हमारे राष्ट्र निर्माता हैं, और इस राष्ट्र निर्माण में हमारे शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है। और एक चीज़ और हम आपको बता दें कि जो बच्चों की बैठने की व्यवस्थाएँ होती है, चलिए छोटे बच्चे हैं फर्श पे बैठे हैं, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए शासन से हम मांग करेंगे कि डेस्क और बेंच की बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली पानी की बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए। और बाकी गुरुजी यहाँ पे शौचालय वगैरह है बढ़िया ना? चलिए ठीक है। आप गुरुजी नाम बताइए, आपसे तो बातें नहीं की हैं। मेरा नाम दूधनाथ यादव, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय समस्तपुर शिक्षा क्षेत्र फूलपुर जनपद आजमगढ़ जी। गुरुजी कितने स्टाफ हैं यहाँ पे? छः का स्टाफ है। छः का स्टाफ है गुरुजी। हमको यहाँ पे मिले एक दो तीन चार। हाँ, तो इसमें जो है हेडमास्टर साहब जो है कल से लिखित परीक्षा बच्चों की होनी है, उसके पेपर और कापी की व्यवस्था के लिए गए हुए हैं जी। पाँच हुए एक और शिक्षा मित्र दोपहर से जो है उनकी तबीयत अचानक खराब हो जाने के कारण दवा लेने चली गई हैं। चलो ठीक है गुरुजी, तबीयत तो खराब होती रहती, लेकिन आज हम आए हैं तो अब क्या संजोग है कि आज ही तबीयत खराब हुई उनकी, लेकिन इन सब चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दीजिए, एब्सेंटी ना हो पाए। ठीक है, जो भी स्टाफ है वो बराबर आए क्योंकि उनकी ड्यूटी यही है वो बच्चों को पढ़ाना। दोस्तों हमारा वीडियो देखकर आप कमेंट में राय अपनी जरूर दें, और चैनल पे नए हो तो चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कहीं भी ऐसे कोई विद्यालय हो जहाँ पे भी निजी हो या सरकारी हो वहाँ पे कैसी व्यवस्था है आप लोग कमेंट में बताएं, हम वहाँ पे पहुँच कर विजिट करेंगे और देखेंगे कि वहाँ की व्यवस्था हम आपको दिखाएँगे जमीनी हकीकत से। धन्यवाद।